हल्द्वानी में आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर में छापेमारी की, जहां मुखाने स्थित मूनलाइट स्पा सेंटर से आपत्तिजनक हालत में 3 युवतियों सहित 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ देह व्यापार में अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, गुड़गांव और पश्चिमी बंगाल की रहने वाली हैं, जबकि युवक हल्द्वानी के रहने वाले हैं। सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिस पर आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही स्पा सेंटर को सील कर दिया और प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। ये बेसिकली हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, उसके द्वारा ये कार्रवाई करी गई है। हमें सूचना मिली थी, जिसपे कार्रवाई हुई मूनलाइट स्पा सेंटर में, जो मुखानी क्षेत्र में है। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है, जिनमें 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। और ये जो युवतियां हैं, ये दिल्ली से हैं, गुरुग्राम से हैं और बंगाल से हैं।